और नमस्कार, मैं हूँ अवधेश और एक बार पुनः स्वागत है आप सबों का हमारे न्यूज चैनल के AR न्यूज पे। अभी मैं गया में हूँ और ये जो पीछे भव्य जगह आपको दिख रहा होगा, भव्य मंदिर जो दिख रहा होगा, इसका नाम है चाइना मंदिर, है ना। है ये भारत देश में और बिहार राज्य में है, गया जिले में है, लेकिन इसका नाम है चाइना मंदिर। आखिर क्यों पड़ा इसका नाम चाइना मंदिर? हमारे साथ यहाँ के एक बुजुर्ग लोग हैं, इनसे इसके बारे में जानकारी लेंगे। क्या नाम हुआ बाबा आपका? ज्ञानचंद प्रसाद गुप्ता। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने। अच्छा, इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी आप दे पाएंगे? ये बहुत पुराना मंदिर है। जी, जी, जी। ये है इधर मुड़ के, उधर तिब्बत मंदिर है एक। अच्छा, तिब्बत मंदिर। हाँ, ओके, ठीक। वो मेन मंदिर के सामने पड़ेगा जी। वो ये पुराना है। अच्छा, मेन मंदिर पुराना है। इसका जितना भी और भी मंदिर बना है सब बाद में बना है। अच्छा, तो इसका नाम चाइना मंदिर क्यों पड़ा? चाइना मंदिर इसलिए कि देखिए, महाबोधि चाइना टेम्पल। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन ये भारत में है और फिर चाइना उसी चीन के नाम पे ना। हाँ, तो फिर चीन का नाम यहाँ भारत में क्यों, उसके नाम पे मंदिर क्यों बनाया गया? उसी का ना है। अच्छा, उसी का है। उसी का है और कोई उसका सहयोग नहीं दिया है। अच्छा, चाइना मंदिर दिया है इसीलिए। अच्छा, और कुछ विशेष जानकारी इसके बारे में है आपको? यहाँ का जानकारी इसका तो और दे सकता है, तो वो बहुत पुराने बाबा हैं, चले गए हैं कलकत्ता। अच्छा, वही दे सकते। मेरे प्यारे साथियों, खेद है हमें इस जगह पे आकर भी हम आपको यहाँ की पूरी जानकारी नहीं दे पाया। मैं सम्मानित छायाकार से निवेदन करूँगा कि अंदर तो नहीं जा सकते, थोड़ा पास आकर आप सबों को यहाँ का पूरा दर्शन बाहर से ही करवाएं। बहुत ही भव्य जगह है, अंदर में प्रतिमा भी बनी हुई है महात्मा बुद्ध का, लेकिन हम लोग अंदर नहीं जा सकते। काफ़ी भव्य जगह है। तो आज के लिए बस इतना ही।